वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में आपका फ्रेंड दीपांकर। और दोस्तों आज का जो ट्रिप हमारा जा रहा है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इस बार हमने चूज किया है झरना जोन जो कि बहुत ही स्पेशल है। ऑल टाइम की तरह हमने काफ़ी ज़्यादा सफारी की है झरना जोन में, और काफ़ी बार हमें टाइगर स्पॉट हुआ है। और आज के ब्लॉग का ये खास बात है कि आज बारिश हुई अच्छी खासी और बहुत सही मौसम हो रखा है। जून का मंथ है आज, 21 जून है, तो देखते हैं आज की डे में हमें क्या हमारी किस्मत पर रहते हैं एनिमल्स वगैरह। और देखते रहिए पूरी वीडियो लास्ट तक, मिलते हैं आगे, चलो बाय। और आज हम लेके चल रहे हैं अपनी गाड़ी निसान किक्स, तो देखते हैं अब आगे हमारी सफ़र कैसा रहता है। सी यू गाइस। Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. अभी हम पहुंच चुके हैं ढेला गेट पे, और यहां से हमारे झरना जोन की एंट्री होती है। और अगर आप ढेला गेट जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसका भी गेट सेम रहता है। और यहां पे अभी चेक पोस्ट है, यहां पे आईडी वगैरह चेक की जाएगी, और उसके बाद परमिट चेक करने के बाद ही आपको जाने दिया जाएगा। तो यहां हम अपनी आईडी वगैरह चेक करवाते हैं और उसके बाद चलते हैं, और मैं अपने साथ आए हुए लोगों से आपको मिलाता हूँ। पहला बल्लू का दूसरा बुद्धि लोग मिलते हैं अपने साथ इस बार ट्रिप में जिसने ज्वाइन किया है। सबसे पहले सालीन जो सबसे यंगेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है हमारे बीच में। हाय सालीन। हेलो। और ये हैं अपने एक्सपर्टीज त्रिभुवन जी, जिनके साथ मुझे काफ़ी टाइम मैंने कॉर्बेट सफारी वगैरह कर रखी है, और साथ में इस बार निमिषा मैम ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हमें। और मैम भी एक वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफर और बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक करती है। तो मैम के पास है सोनी का कैमरा, और सालीन भी अभी सोनी लेके चल रहे हैं, और त्रिभुवन जी, देवेंद्र जी, और मेरे पास है निकॉन। तो देखते हैं आज हमें साइटिंग कैसी रहती है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा गाड़ी आ चुकी है, और 3 बजे गेट ओपन हो जाता है। गेट ओपन हो गया है, लेट्स गो। स्टेप 1, वेक अप ब्रदर, गोना राइज़ विद द सन। स्टेप 2, गेट सम गुड सम फूड इन यू। स्टेप 3, थिंक ग्रो हार्ड अबाउट व्हाट यू वांट टू बी। हमें अभी जल्दी से गेट में घुसने के बाद ही वल्चर दिखे हैं, जिसके अंदर इजिप्शियन वल्चर है और रेड हेडेड वल्चर है। तो दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो।
तो एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आपको ये वल्चर वगैरह मिलना भी मतलब इक्वल टू खास एनिमल लाइक टाइगर वगैरह है, क्योंकि बहुत रेयर होते हैं वल्चर वगैरह, इनकी प्रेजेंस बहुत ही रेयर होती है। और इसके अलावा जो हमें रेयर दिखा अभी रेड हेडेड वल्चर दिखा, खारा गेट पे जो कि यहाँ का चेक पोस्ट है, फॉरेस्ट का ऑफिस भी है यहाँ पे, और यहाँ पे परमिट वगैरह चेक किए जा सकते हैं। हम देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे ऑफिस और यहाँ पे गाड़ियों के परमिट वगैरह चेक किए जाते हैं। थोड़ा सा जंगल के बारे में अपने गाइड दीपक जी से। दीपक जी को वैसे हम लास्ट टाइम ढिकाला में मिले थे और आज झिड़ना जोन में। तो आप तो कई टाइम से घूम रहे हैं। जी जी, आपको तो इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके झिड़ना जोन जो है ना ढिकाला से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें फ्रूट प्लांट बहुत ज़्यादा है, जैसे कुसुम, बेल, तेंदू, और बर्डिंग का बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ। अभी जैसे बल्चर दिखे, इसी तरीके से जो है काफ़ी सारे बर्ड्स दिखने के चांस हैं, और टाइगर साइटिंग के लिए भी झिड़ना पार्ट जो है आजकल काफ़ी फेमस है। ओके, और टाइगर के अलावा मतलब बेयर की साइटिंग हो जाती है, और बेयर में जो भालू की साइटिंग होती है सिर्फ निकाला ढेला और झिड़ना पार्ट में। ओके ओके, गाइस अभी जैसे दीपक जी ने बोला कि ये पार्ट अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट भी है एज पर द कॉर्पोरेट, और काफ़ी सारे एनिमल्स हैं लाइक बेयर, भालू, जो कि सिर्फ इस जोन में ढेला में देखा जाता है पूरे कॉर्पोरेट एरिया में। और उसके अलावा यहाँ पे टाइगर की साइटिंग बहुत अच्छी है, जो कि एक बहुत अच्छा विकल्प है आप लोगों के लिए डे सफारी के। और उसके अलावा मैं कहूँगा कि झिड़ना में प्लस पॉइंट ये भी है कि आप पूरे एयर इसको कवर कर सकते हो, बरसात में भी ये ओपन रहता है तो आप लोग आ सकते हैं क्योंकि सफारी करने के लिए, और बहुत अच्छा हैबिटेट है सारे एनिमल्स का, और बर्डिंग बहुत अच्छी है। जो रिसेंटली दीपक जी जानते हैं खास बात झिड़ना की, पहले गाँव हुआ करते थे वैसे, लेकिन जैसे बाहर डेला पार्ट में लाल डांग यहाँ पे फूटो झिड़ना हरा, तो जो है यहाँ से रिलोकेट किया गया और सब जगह पर जेट। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सफारी में जो आना चाहते हैं जो मतलब नॉट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वो आने से कतराते हैं कि टाइगर अटैक कर सकता है या एनिमल्स अटैक कर सकते हैं, ये ऐसा होता है या फिर मतलब खाली लोगों की शंका है? लोगों की शंका है, टाइगर जो है टाइगर या कोई भी एनिमल आप लिमिटेड उसका डिस्टेंस बना के रखेंगे तो कभी भी बेवजह जान किसी पर अटैक नहीं करेगा। राइट, जैसे कि अगर आप किसी को तंग नहीं कर रहे तो वो भी आपको अटैक नहीं करेगा, अगर आप उनके हैबिटेट एरिया में घुसेंगे ये बात में मैं एग्री हूँ, एनिमल्स बहुत अच्छे होते हैं और इंसानों से भी ज़्यादा समझदार होते हैं। पिट्टा करेंगे अभी ट्राई नहीं। तो गाइस अभी हमें मिल गया यहाँ का जेम्स इंडियन पिट्टा, और इस वाले ट्री पे है हाई बैंक से जस्ट पहले। तो ये है यहाँ की शानदार इंडियन पिट्टा, तो हम सारे बिजी हैं अभी इसी को क्लिक करने में। तो अभी यहाँ पे ब्लू टेल बीटर उसको क्लिक करते हुए सारे अपने साथ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स। नीचे ले जाओ नीचे थोड़ा सा। तो अभी बहुत ही तगड़ा यहाँ पे एक्साइटमेंट है, यहाँ पे अभी टस्कर आने वाला है। तो अभी यहाँ पे एक्साइटेड है सारे बिकॉज ऑफ द टस्कर, और यहाँ पे टस्कर आने वाला है, टस्कर एलिफेंट।
पीछे ले लो, बच्चे हैं यार, ये पीछे ले लो। तुम बढ़ाओ यार, हेलो पीछे करो गाड़ी को, चले गया अंदर साइड से निकल गया। दोस्तों ये भी तो ढंग से ना लगा रहे ना, ड्रॉप तो ये है झिड़ना जोन का ग्रासलैंड, काफी सुंदर हैबिटेट है। हम पहुंचे हैं झिड़ना जोन के गेस्ट हाउस पे। तो अभी हमारी हाफ सफारी कंप्लीट हो गई है, तो अभी भी वी स्टिल लुकिंग फॉर द टाइगर एंड बाकी काफ़ी चीज़ें हमें मिली है, जिसके अंदर पीटा है एंड टस्कर से हमारा बहुत अच्छा एनकाउंटर हुआ, और बाकी और भी बर्ड्स दिखी है जिसके अंदर मतलब ब्लू टेल बीटर है, और भी बहुत कुछ मिला है, लेकिन स्टिल वी आर लुकिंग फॉर द टाइगर। तो मैं अभी आपको फटाफट वो दिखाता हूँ जो एक गेस्ट हाउस है, उसकी विजिट करवाता हूँ, और इसको आप ऑनलाइन जिम कॉर्बेट की वेबसाइट से बुक करा सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ आप स्टे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ का कैंपस देखिए जो कि बहुत खूबसूरत है। तो ये झिड़ना ओल्ड फॉर्म है जो कि 1908 का है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। और ये यहाँ के गेस्ट हाउस, और आप यहाँ पे ब्रेक भी कर सकते हैं अपनी सफारी के दौरान। तो यहाँ पे टी वगैरह, ऑमलेट वगैरह, बाकी मैगी वगैरह मिल जाते हैं खाने को, कई चीज़ें मिल जाती है। We are waiting for the tiger. तो मतलब यहाँ पे कॉल हो रही है कंटिन्यूस, बंदर की कॉल है काफ़ी देर से, जो कि मतलब श्योर श्योर अब बताता है कि मतलब टाइगर की मूवमेंट आसपास है या फिर टाइगर बैठा हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है ना मतलब वो मूवमेंट कर नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस कॉलिंग में है, लेकिन हम भी वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं मतलब आज दिखता है नहीं दिखता है। If you wanna go, I'm down. अभी भी सेम जगह पोजीशन में है जो हमने देखा था डेढ़ दो घंटे पहले, कंटिन्यू। तो अभी हमें फ्लाइंग करते हुए ग्रेट हॉर्न मिल के भी शॉट मिल चुका है। तो अभी यहाँ पे सालीन कैप्चर करते हुए पिकॉक को, जो कि काफ़ी डिस्टेंस में, लेकिन मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा हैबिटेट शॉट है ये देखिए।
अब खींचो अब खींचो अब खींचो। ये तो रहती है बैग में लेकिन बहुत मेरे साथ है अभी खत्री जी और इनसे पूछते हैं कि आज का सफारी कैसी लगी आपको। आज की सफारी काफ़ी अच्छी लगी। आज भी टाइगर नहीं मिला तो लेकिन कोई बात नहीं, हमें और चीज़ मिली यहाँ पे, इंडियन पिता मिला आज और हमें मोर के भी अच्छे स्थल मिले, देखने को मिले, कल्चर भी हमें मिले आज और सारे दिन काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन हमारे लिए। नेक्स्ट टाइम फिर हम ट्राई करेंगे टाइगर के लिए, ऐसा कुछ नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है तो हमेशा खुश हो गया आना चाहिए बाहर। ये सही बात है। अभी हमारे साथ है सालीन जिसको मैंने इंट्रो करवाया था, वन ऑफ द यंगेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इन आवर ग्रुप। तो सालीन कैसा रहा आज की सफारी और एक्सपीरियंस? अच्छा था। आज हमें इंडियन पिटा दिखा जो मेरे कलेक्शन में नया था, बाकी वल्चर्स भी देखी दो टाइप की, रेड हेडेड के आने पर अच्छे शॉट, पर एक एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत अच्छी रही सफारी। और जो टस्कर के साथ एनकाउंटर हुआ था, टस्कर के साथ वो तो काफ़ी बोन चिलिंग वहाँ तो गाड़ी आ रही है तो कोई ना कोई बिल्कुल बहुत जबरदस्त है यार बहुत अच्छा इनकाउंटर हुआ हमारा, बहुत क्लोज इनकाउंटर जिसे कहते हैं वो था। तो ओवरऑल कैसी रही आपकी सफारी? ओवरऑल बहुत मज़ा आया, भले ही कुछ नहीं दिख टाइगर नहीं दिखा, पर टाइगर तो अलग बात है, सफारी में हर एक जानवर एक जैसा ही होता है, इसलिए बहुत मज़ा आया। आज की सफारी हमारी पूरी हो गई है। तो वैसे मतलब हमें आज टाइगर तो नहीं दिखा लेकिन काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली जिसके अंदर बर्ड्स हैं, हमने बर्डिंग करी और साथ में हमें टस्कर दिखा, उसके साथ अच्छा खासा इनकाउंटर हुआ। और जंगल मतलब हर टाइम ज़रूरी नहीं कि आपको टाइगर दिखे, उसके अलावा भी काफ़ी एंटरटेनिंग होती है और मतलब आपको नई एनर्जी देता है। तो आई लव टू जॉइन एवरी टाइम जंगल और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा घर भी मतलब जंगल के आसपास है, कॉर्बेट के पास है हल्द्वानी। तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए हमें, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोबारा किसी और नई वीडियो के साथ। बाय।